बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 3। इट इज अबाउट फ्रैक्शंस एंड दिस इज आवर लेसन नंबर 8। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO, कंपेयर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर यूजिंग सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये जो सिंबल्स हैं ये हम लोग प्रीवियस लेसन में भी यूज करते आए हैं। यहां पर ये इसका ये जो माउथ जो है वो क्लोज होगा, उस साइड को हम लोग लेस देन कहते हैं, लेस देन। और ये वाली जो है यहां पर जिस साइड की तरफ से ये ओपन होगा उसको हम लोग ग्रेटर देन। और ये दोनों लाइन्स जो है ये इक्वल टू के लिए यूज की जाती हैं। बेसिकली हम लोगों ने ये जो सिंबल्स हैं ये होल नंबर्स कंपेयर करने के लिए हमने यूज की थी। अब यहां पर फ्रैक्शन के कंपैरिजन के लिए भी ये तीनों सिंबल्स हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स लेसन प्लान जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज इक्वल एंड फ्रैक्शंस, आपको मैंने बताया हुआ है के फ्रैक्शंस क्या है, और इससे पहले आपने इक्वल एंड फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस जो लेसन थे उनमें। सो इक्वल एंड फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग प्रीवियस ग्रेड से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि इफ व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स देन वी कॉल इट फ्रैक्शन। सो इसी तरह इन दोनों फिगर्स को आपने ऑब्जर्व करना है इन टू बॉक्सेस में। देखें डिफरेंस क्या है दोनों में। आप देखें जो फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर टोटल स्मॉल जो बॉक्सेस हैं वो 8 हैं और 6 बॉक्सेस शेडेड हैं, जिनको हम लोगों ने फ्रैक्शन की इस फॉर्म में राइट कर दिया हुआ है। सिमिलरली सेकंड बॉक्स में टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 बॉक्सेस हैं स्मॉल, और उसको जो है जो शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं, और अनशेडेड हैं वो भी 4 हैं। स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं टोटल, वो 8 हैं। सो उसको भी हम लोगों ने फ्रैक्शन की शेप में ऐसे राइट कर दिया है। अब इनको कंपेयर करें और देखें क्या ये इक्विवेलेंट है दोनों। कैसे इक्विवेलेंट को हम लोग चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये वाला जो है ये वाली फ्रैक्शन ये बन जाएगी, और ये वाली जो फ्रैक्शन है ये ऐसे बन जाएगी 1/2। सो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, बोथ फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। सो देन क्या है, कैसे हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये आगे चल के हम लोग देखते हैं। अब आ जाए वोकैबुलरी की तरफ। Observe figures, two fractions can be compared, one fraction can be greater than the other, and we compare like fractions. Like fractions क्या होती है? If two or more fractions having same denominator, then we call them like fractions. We can compare like fractions. So कैसे, जैसा कि आपके पास previous fractions given थी 6/8 और 4/8, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। सिमिलरली सो अब हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं, बट दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जिस तरह हमने होल नंबर्स को कंपेयर किया इसी तरह आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। अब आ जाएं नेक्स्ट जो मेन रूल है फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। एक चीज जस्ट आपने याद रखनी है, जब भी आपने टू आर मोर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो आपने उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं। सेम सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अगर सेम होंगे तो उन फ्रैक्शंस सबको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, उनको लाइक बना लेना है, और फिर उसके बाद उनके नोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। जैसा कि आपके पास फ्रैक्शन थी 6/8 और 4/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम लोग नोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे।
जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर ग्रेटर होगा वो सारी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी. सो दिस इज 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8. और जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर लेस होगा उस वो फ्रैक्शन लेस होगी, होल फ्रैक्शन. सो ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो फॉर लाइक डिनोमिनेटर्स व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. सो इन लाइक फ्रैक्शन वी कंपेयर द न्यूमिरेटर्स, ग्रेटर द न्यूमिरेटर, ग्रेटर इज द फ्रैक्शन. जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई है कि आपने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है लाइक फ्रैक्शंस को. लाइक फ्रैक्शंस कब होते हैं? जब डिनोमिनेटर गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो. सो तो इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम लोग जो है न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करते हैं. जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी और जिसका लेस होगा वो लेस होगी. अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ, एक चल के एग्जाम्पल करते हैं. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आपने खुद करनी है. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8. अनीसा एट 3/4 ऑफ हर पिज्जा. अनीसा के पास एक पिज्जा है जिसके टोटल पार्ट्स 4 हैं. उसमें से अनीसा 3 पार्ट्स खा जाती है. अब नेक्स्ट क्या है? एक स्टेटमेंट यहां तक थी. एंड इमान एट 1/4 ऑफ हर पिज्जा. इमान के पास अपना पिज्जा है पर उसमें से वो एक हिस्सा खाती है 4 में से. सो अब हमने चेक क्या करना है, हु एट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पिज्जा. सब किसने ज्यादा पिज्जा खाया, ये चीज हमने चेक करनी है. अब देखें सॉल्यूशन की तरफ आए, सॉल्यूशन को गौर से देखें. अनीसा ने कितना खाया है पिज्जा? 3/4 पार्ट ऑफ अ पिज्जा. एंड इमान ने कितना खाया है? 1/4. सो अनीसा ने कितना खाया है? 3/4. सो अब इनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं, आप देखें ये जो है ये 3/4 बनता है और ये 1/4 बनता है क्योंकि उसने एक हिस्सा खाया और इसने अनीसा ने 3 हिस्से खाए, इमान ने एक हिस्सा खाया. सो अब हम लोग दोनों फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर सेम है. सो ये जो इसका नोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का वो 3 है और इसका 1 है. 3 इज ग्रेटर देन 1. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन. वी कैन से 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4. सो अनीसा एट मोर पिज्जा. अनीसा ने ज्यादा पिज्जा खाया देन इमान क्योंकि उसने 3 हिस्से खाए और इमान ने एक हिस्सा खाया. सो दिस इज योर रिजल्ट. तो ये देखिए जैसा कि यहां पर गिवन है. सो अनीसा एट मोर पिज्जा देन इमान. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए इंडिविजुअल वर्क की तरफ. इंडिविजुअल वर्क में क्या है, आपके पास एक टास्क शीट है. आपकी टीचर आपको ये टास्क शीट प्रोवाइड कर देंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है. आपने इन दी गई फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है. फर्स्ट पार्ट कर दिया गया है सॉल्व, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं. मेथोडोलॉजी आपने वही यूज करनी है जो मैंने बताई है. डिनोमिनेटर सेम होंगे, जस्ट कंपेयर द न्यूमिरेटर्स एंड पुट द करेक्ट साइन. तो स्टूडेंट्स आई होप के आप लोगों को समझ आ गई है. अब आ जाए रैपअप की तरफ. रैपअप में हम लोगों ने क्या करना है, आज का हमारा SLO था कंपेयर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स यूजिंग द सिंबल्स. और फिर उसके बाद हमने लाइक फ्रैक्शंस को देखा और जब लाइक फ्रैक्शन हमें पता चल गया गिवन फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस तो फिर हम लोगों ने इनको कंपेयर किया और फिर बताया कि न्यूमिरेटर्स जब ग्रेटर होंगे तो फ्रैक्शन जो होती है वो ग्रेटर होती है और फिर अगर लेस होते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो लेस होती है. तो अब आ जाए होमवर्क की तरफ. होमवर्क में आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 जो है आपकी बुक के ऊपर गिवन उसे कंप्लीट करना है. तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर अवेलेबल. तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच. आई होप के आप लोगों को आज के SLO की समझ आ गई है. इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.